ગુજરાતમાં બોમ્બ બ્લાસ્ટ કરવાની ઘટનાનો પર્દાફાશ થયો છે. ગુજરાતને રક્ત રંજિત કરવાનો પ્લાન હતો. આતંકી શાનવાસે આ સૌથી મોટો ખુલાસો કર્યો છે. આતંકીઓ ગોધરા બાદ થયેલા તોફાનોનો બદલો લેવા માંગતા હતા. આરએસએસ અને વીએચપીના કાર્યકર્તાઓ આતંકીઓના ટાર્ગેટ પર હતા. तो आतंकी शानवासे आ सौथी मोटो खुलासो कर्यो छे. त्रण आतंकीओ के जेने झड़पी पाड़वामां आव्या छे तेमने टास्क आपवामां आव्या हता. त्यारे आ आतंकीओना मनसूबा शुं हता? गोधरा रमखाणोनो बदलो लेवा मांगता हता अने आ त्रणे आतंकीओने ते टास्क आपवामां आव्यो हतो. अमदावाद, वडोदरा, गांधीनगर अने सूरत तेमना निशाने हता. आ मोटा शहेरो तेमना निशाना पर हता. अमदावाद, वडोदरा, गांधीनगर अने सूरतमां ते लोकोए रेकी करी हती. अलग अलग जग्याओ पर ते पहोंच्या हता. પીએમ મોદીનું ગૃહ રાજ્ય હોવાથી ગુજરાત તેમના નિશાના પર હતું, પરંતુ તેમના જે આ મનસૂબા છે પાર પડ્યા નથી. ટ્રેનથી તેઓ અમદાવાદ આવ્યા હતા રેકી કરવા માટે. બે દિવસમાં અમદાવાદના મહત્વના સ્થળોની તેમણે રેકી કરી હતી. અમદાવાદના જે મહત્વના સ્થળો છે, ભીડભાડવાળા સ્થળો છે, તેની રેકી કરી હતી અને ખાસ કરીને અમદાવાદના અટલ બ્રિજ અને બજારોની આ આતંકીઓએ રેકી કરી હતી. અમદાવાદ સાબરમતી આશ્રમની વિડીયોગ્રાફી કરી હતી આ આતંકીઓએ. અમદાવાદનો સાબરમતી આશ્રમ છે, તેની વિડીયોગ્રાફી કરી હતી. ગાંધીનગરમાં આરએસએસ અને વીએચપીના કાર્યાલય તેમના ટાર્ગેટ હતા. વડોદરાની કોર્ટ, રેલવે સ્ટેશનની પણ રેકી કરી હતી. ત્યારબાદ તેઓ વડોદરા પણ ગયા હતા. ત્યાં કોર્ટ અને રેલવે સ્ટેશનની રેકી કરી. ત્યારબાદ સુરતના શહેરના મહત્વના સ્થળોની તેમણે રેકી કરી હતી. ખાસ કરીને ભીડભાડવાળા સ્થળો હતા ત્યાંના નિશાને હતા. ઓર્ડર મળ્યા બાદ પ્લાનને તેઓ અંજામ આપવાના હતા. સીધા જઈશું પ્રમોદ શર્મા અમારી સાથે લાઈવ જોડાઈ ગયા છે. પ્રમોદ, બતાઈએ કે અભી ક્યાં જાણકારી પ્રાપ્ત હો રહી, ઇનકે વિરુદ્ધ ક્યાં કાર્યવાહી કી જા રહી હૈ ઓર ઇનકે તાર કહાં કહાં તક જુડે હુએ થે? देखिए, 2 अक्टूबर 2023 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मोहम्मद शहनवाज, मोहम्मद रिजवान और अरशद वारसी, इन तीन जो आईएस से जुड़े हुए आतंकी बताए जाते हैं, इन्हें गिरफ्तार किया था. मोहम्मद शहनवाज एनआईए के मोस्ट वांटेड की लिस्ट में था. 3 लाख का उसके ऊपर रिवार्ड था. और इनको गिरफ्तार करने के बाद जब इनसे पूछताछ की गई थी, तो उसके बाद जो इंट्रोगेशन रिपोर्ट है वो जी मीडिया को पता चली और उसके तहत ये जानकारी मिली कि मोहम्मद शहनवाज, रिजवान और अरशद वारसी ये लोग अहमदाबाद गए थे ट्रेन से. और वहाँ पर रुकने के बाद कई जगहों की इन्होंने रेकी की थी, जिसमें से कई सारे VVIP जो रोड्स थे या फिर यूनिवर्सिटी थी, बाकी कई सारे उसके बाद वहाँ रुकने के बाद भीड़भाड़ वाले इलाके हैं, चाहे वो सिनेमा घर हो या दूसरी ऐसी संवेदनशील जगह हो. जिसके बाद ये वडोदरा भी गए, सूरत भी गए, गांधीनगर भी गए. इन 4 जगहों पर इन्होंने रेकी की थी. कई दिन ये रुके थे और VHP और RSS ऑफिस का भी इन्होंने रेकी की थी. बाकायदा फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी की गई थी. कई जगह ये रुके थे और ऐसे संवेदनशील जगहों पर इन्होंने रेकी की थी जहां पर इनको एक सीरियल ब्लास्ट कर रहे थे. इस बात की जानकारी इनको जो पाकिस्तान में बैठा हुआ इनका हैंडलर था अबू सुलेमान, वो दे रहा था. तो रेकी करने के बाद ये लोग मुंबई गए, वहां से ये पुणे चले गए. और बाकायदा जो भी इन्होंने रेकी की थी उसकी PPT और PDF फाइल बनाकर जो है वो अबू सुलेम, जो कि पाकिस्तान में बैठा हुआ है, ISI से जुड़ा हुआ है, ISI से जुड़ा होने के कारण इनका हैंडलर था और गुजरात दंगों का ये बदला लेना चाहते थे. और चूंकि गुजरात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है, ऐसे में वहाँ पे एक बड़ी टेरर स्ट्राइक करना चाहते थे. मोहम्मद शहनवाज माइनिंग इंजीनियर था, तो उसे जानकारी थी कि किस तरीके का एक्सप्लोसिव बनाया जा सकता है और जिससे भारी तबाही मचाई जा सकती है. एक्सप्लोसिव बनाते हुए कुछ कोडवर्ड की फ़ोटो थी, वो मोहम्मद शहनवाज के मोबाइल फ़ोन से स्पेशल सेल ने जो है रिट्रीव की थी. और इनसे पूछताछ में ये पता चला था कि ये टेरर स्ट्राइक कर पाते, उससे पहले इन्हें थोड़ा रुकने के लिए जो अबू सुलेमान है, जो पाकिस्तान में बैठा ISI से जुड़ा हुआ जो आतंकी है, उसने इनको थोड़ा रुकने के लिए कहा था और कहा था कि वो वक्त आने पे इन्हें बताएगा कि किन किन जगहों पर जो है वो सीरियल ब्लास्ट कर रहे हैं, किन को टारगेट करना है और किस तरीके से इस पूरे जो है मिशन को जो है एग्जीक्यूट करना है.
लेकिन ये अपने पूरे मिशन को एग्जीक्यूट कर पाते, सीरियल ब्लास्ट कर पाते, उससे पहले ही स्पेशल सेल ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और इनसे पूछताछ में ये सारी जानकारी निकल के सामने आई है। कई सारी फोटोग्राफ्स ऐसी निकल के सामने आई है कि जिसमें एसिड और जिसमें गन पाउडर इन सबसे मिला के जो एक्सप्लोसिव है वो बनाया जाता था, उनको बाकायदा इन्होंने जो कोडवर्ड है उसका इस्तेमाल किया गया था। तो साफ तौर पे ये जो पहले भी जब ये गिरफ्तार हुए थे तो स्पेशल सेल ने बताया था कि कई वीवीआईपी लोग, वीवीआईपी एरिया और वीवीआईपी रूट वो इनके टारगेट पे था और उसको ये वहाँ पे जो है सीरियल ब्लास्ट करने की इनकी प्लानिंग थी। वीएचपी और आरएसएस के जो कार्यालय हैं वो इनके गांधीनगर के, वो इनके टारगेट पे थे। ये वडोदरा, सूरत, गांधीनगर और अहमदाबाद इन चार जगहों पे रुके थे और बाकायदा पूरी रेखी की थी। वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करने के बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने पाकिस्तान में बैठे हुए अबू सलेम सिंह को जो है पास कर दी थी। लेकिन गिरफ्तार होने के बाद इनसे पूछताछ में ये पूरा खुलासा हुआ है कि आईएसआई जो है इस पूरी प्लानिंग के कॉन्स्पिरेसी के पीछे थी, जिसको कि नाम दिया गया कि ये लोग, इनको जो रिक्रूट किया गया था, इनको जो ब्रेन वॉश किया गया था वो आईएसआईएस के नाम पे किया गया था, ताकि अगर ये लोग पकड़े जाते हैं तो सीधे तौर पे आईएसआई का नाम जो है वो सामने ना आए, बल्कि इन्हें आईएसआई का जो है वो आतंकी माना जाए, इनको सेल्फ रेडिकलाइज किया जा गया था। और जो मोहम्मद शहनवाज है काफ़ी ज़्यादा पढ़ा लिखा है, माइनिंग का जो इंजीनियर है, बाकायदा एक बाइक चोरी के दौरान उसका बाइक का इस्तेमाल भी जो है बॉम्ब ब्लास्ट में किया जाना था, तो वहाँ पे पुलिस को एक टिप ऑफ मिला था, फिर केस जो है एनआईए को ट्रांसफ़र किया गया था, लेकिन इसको गिरफ्तार कर पाते ये फरार हो गया था। और लगातार जो है इसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी एनआईए कर रही थी, दिल्ली में भी कई जगहों पर रेड्स की गई थी, उसके बाद स्पेशल सेल ने इसे गिरफ्तार किया था। और स्पेशल सेल की गिरफ्तारी के बाद जो इंट्रोगेशन जब इससे की गई थी तो उसकी जानकारी ये मिली है कि किस तरीके से इन्होंने गुजरात के चार जगहों की जो है रेकी की थी और कहां कहां पे इनको जो है सीरियल ब्लास्ट करने की प्लानिंग थी। तो ये एक बड़ी कामयाबी स्पेशल सेल और सुरक्षा एजेंसियों की मानी जा सकती है कि गुजरात के अंदर गुजरात दंगों का बदला लेने के लिए जो रेकी की गई थी उसे वक्त रहते रोक दिया गया। बिल्कुल, धन्यवाद जुड़ने के लिए प्रमोद। तो તેમના મનસુબા હતા, આપણે જોયા જે ત્રણ આતંકીઓ છે તેમને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા છે, અલગ અલગ જગ્યા ઉપર ટીમ મોકલવામાં આવી હતી અને આખરે સ્પેશિયલ સેલે આ ત્રણેય આતંકીઓને ઝડપી પાડ્યા છે।